हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो अब हम नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 6.4 का आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर। फाइंड क्या करना है, लेंथ, चारों साइड इक्वल है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब हमें गिवन क्या है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन है। इसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, ये लिख देते हैं यहाँ 441, ओके, इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। साइड हमें पता ही नहीं है, हमें पूछी गई है, तो ये साइड का स्क्वायर, हम साइड को एज्यूम कर लेते हैं एक्स, यहाँ लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर, ओके। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ये इक्वेशन बन गई, ओके। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता है एक्स स्क्वायर, हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो स्क्वायर ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, जब ट्रांसपोजिशन हो जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, ओके। तो ये अंदर रूट के 441, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू रूट में 441 आया, 441 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड करके कर लीजिए या फिर डिवीजन मेथड करके कर लीजिए। तो डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड आप करेंगे, x की वैल्यू आएगी, ये 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 को जब 21 से मल्टीप्लाई, 441 आएगा, ओके। तो 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का, ओके। तो x की वैल्यू आ गई 21, x हमने क्या एज्यूम की थी, साइड, तो हमने निकाल दी लेंथ ऑफ साइड, ओके। तो स्क्वायर की जो साइड की लेंथ आएगी वो आएगी 21 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है, इस तरीके से बनता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो कौन सा एंगल है 90 डिग्री का, वो हमें गिवन है एंगल बी, तो ये एंगल बी है, ये 90 डिग्री का गिवन है, ये एंगल बी, ये ए कर दीजिए, ये सी, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें हमें कह रहा है, कह रहा है ए बी, ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये 6 होगी, ओके। बी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर गिवन है, हमें फाइंड करनी है एसी, ये इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है एसी, ओके। तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट हम पढ़ के आए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो वही हमें फॉलो करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमने जो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जो कि हाइपोथेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोथेनस है एसी, हाइपोथेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है हाइपोथेनस का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ओके। तो अब हम इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हाइपोथेनस, हाइपोथेनस की वैल्यू, हाइपोथेनस कौन है, एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बी, कौन है बेस, ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी है, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ओके। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एसी, एसी हमारे पास नहीं है, एक्स का स्क्वायर पुट कर दी, नेक्स्ट ए बी, ए बी कितने गिवन है यहाँ पे, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी गिवन है 8, ये 8 का स्क्वायर, ओके। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर का हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 100, ओके। तो रूट 100, 100 किसका स्क्वायर रूट होगा, 100 होता है 10 का, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10 सेंटीमीटर, ये क्या है,
10 सेंटीमीटर एसी पाइन हो गई। आगे देखिए, अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें हमें एसी गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, बीसी गिवन है, ये बीसी 5 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करनी है एबी, ये हमें नहीं गिवन है। तो सेम फॉर्मूला तो कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही लगाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब देखिए, हम हाइपोटेन्यूज इसमें है एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी, बी कौन है बेस, ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस सी, परपेंडिकुलर कौन है बीसी, ये बीसी का स्क्वायर। अब हमें इनकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो एसी इस बार हमें गिवन है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी, एबी हमें नहीं गिवन, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीसी, बीसी क्या है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए, वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, ओके। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स को हम यही रखते हैं, बाकी सबका ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, 169 एक्स क्या पॉजिटिव में है, इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब लेस करके देखिए, लेस करेंगे 9 में 5 किया 4, ये 4 ये 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 144 का ये स्क्वायर हटाएंगे आ जाएगा रूट, ओके, तो एक्स की वैल्यू आई रूट 144, ये किसका रूट होता है 12 का, आंसर क्या आएगा 12। तो इस तरीके से एक्स कौन है एबी, एबी की वैल्यू क्या आएगी 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स है, उसको वो 1000 प्लांट्स को इस तरीके से प्लांट करना है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे रो बनाएंगे ऐसे कॉलम बनाएंगे, तो यहाँ प्लांट हम लगाएंगे इस तरीके से, तो ये नंबर ऑफ रोज जितनी बने और नंबर ऑफ कॉलम जितने बने वो इक्वल आने चाहिए, ओके। तो इक्वल तभी आएंगे जब ये 1000 प्लांट्स जो है, ये जो 1000 है ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ओके। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है कि अगर वो कह रहा है कि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, हमें रो एंड कॉलम को इक्वल करना है, इक्वल करना है, तो मीन्स हमें इसमें कुछ या तो ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम प्लांट ही नीड, तो उसको कितने और प्लांट चाहिए मिनिमम ताकि उसकी रॉ और कॉलम इक्वल हो जाए, और रॉ और कॉलम तभी इक्वल होंगे जब ये जो प्लांट्स है हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट में होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ओके। तो हम 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, देखिए ये पेयर बना दी हमने, पेयरिंग कर दी, बार लगा देंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे हम, तो फर्स्ट है 10, 10 3 के स्क्वायर के करीब आएगा, तो 3 से करेंगे आंसर आएगा 9, ये 3 से किया, अब हम इसको करेंगे लेस, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 00, ओके, यहाँ प्लस 3 करना पड़ेगा, 3 प्लस 3 कितने हो गया, सॉरी 3 प्लस 3 हो गया 6, ओके। अब इस सिक्स के पास हम क्या, हमें इसमें मिनिमम प्लांट्स को ऐड करना है, तो ऐड करना है, तो आपको पता है हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या था, मिनिमम नंबर ऐड कितना करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उसमें हम यहाँ जो नंबर लेते हैं वो क्या होना चाहिए, इस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए, नेक्स्ट ग्रेटर होना चाहिए। तो अब हमें पता है 1 रखने से तो छोटा आएगा 61, हमें नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए, तो ग्रेटर 2 रखने से आएगा, क्या रखने से, 2 रखने से, तो 2 रखेंगे तो यहाँ ग्रेटर नंबर आएगा 100 से, नेक्स्ट 124, ओके। तो अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 100 और 124 का कितना डिफरेंस हुआ, 24, ओके। तो ये जो डिफरेंस आता है उतने ही प्लांट उसको चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब देखिए, अब हम अगर 1000 तो हमारे पास प्लांट्स पहले से ही है, अगर इसमें 24 और ऐड कर देते हैं हो जाएंगे 1024, तो 1024 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, 24 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 24 लिखेंगे, 24 लिखते ही ये पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 0 0 0 आया, यहाँ किससे किया हमने 2 से, तो यहाँ आंसर में भी लिख देंगे 2,
ओके, तो आंसर आएगा 32 ही रॉ बनेगी और 32 ही कॉलम बनेंगे। कितने प्लांट होंगे तब बनेंगे रॉ और कॉलम इक्वल, कितने प्लांट होने पर आएंगे जब उसके पास 1024 प्लांट होंगे तब ये चीज हो पाएगी। ओके, उसमें टोटल चिल्ड्रन दे रखे हमें 500 चिल्ड्रन है टोटल। ओके, तो 500 चिल्ड्रन को पीटी ड्रिल करवानी है, जैसे आप स्कूल में होते हो आपको ऐसे लाइन के अंदर रॉ के अंदर खड़ा करते हैं सुबह सुबह, फिर आपको पीटी करवाते हैं, तो इक्वल रॉ और इक्वल लाइन बननी चाहिए। यही सेम क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इसमें भी, तो पूछ रहा है अब हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट, तो कह रहे हैं कि कितने चिल्ड्रन अगर हम निकाल रहे हैं, अब हमें निकालने हैं, हमें डालने नहीं है, ऐड नहीं करने, हमें चिल्ड्रंस हटाने हैं ताकि जो रॉ और कॉलम हो वो इक्वल हो जाए। ओके, तो सेम मेथड हम फॉलो करेंगे, 500 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, जो मिनिमम नंबर है उसको हम सब्सट्रैक्ट करके बनाना है। यही सेम क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं, तो हम देखिए क्या करेंगे, 500 लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, पहले पेयर कर लेते हैं, बार लगा लेते हैं, ये बार लगा लिया हमने, अब देखिए 5 लेंगे, पहले 5 किसके स्क्वायर के पास है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 से करेंगे तो माइनस करेंगे आएगा 1, ये पेयर एज इट इज आएगा 100, यहाँ पे भी प्लस 2 करना पड़ेगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। ओके, अब ये 100 के पास हमें ऐसा कुछ पुट करना है, अब जब हमें लेफ्ट आउट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है मिनिमम नंबर, इट मींस हमें यहाँ पे 100 से जो छोटी डिजिट है वही लेनी है, ऐड करना होता है तब तो 100 से ज्यादा लेंगे, यहाँ पे आया उसे ज्यादा डिजिट लेनी पड़ेगी, लेफ्ट करना है हमें, लेफ्ट आउट करना है, निकालना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे इस जगह पे 100 से छोटा डिजिट हमें लेना है। अब देखिए हम यहाँ क्या ऐसा पुट करें ताकि 100 से छोटा डिजिट आए, तो देखिए 2 रखते हैं, हम 2 रखेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 84। ओके, तो 2 और अगर 3 रखें तो 3 रखने से देख लो ये आ जाएगा 129, तो 3 रखने से तो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें इसमें से लेफ्ट आउट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम लेंगे कम, तो हम क्या लेने का है 2 रखने पे, तो 2 बार आंसर गया हमारा। ओके, आंसर आएगा 84, ये 84 को हम क्या करेंगे लेस करेंगे, वही सेम चीज, तो लेस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आएगा 16। ओके, तो अब 16 बचा, अब यहाँ प्लस 2 और करेंगे तो देखिए क्या बन गया 2 to 44। अब इस 44 के पास अब देखिए अंदर की डिजिट बाहर की डिजिट से छोटी आ गई, जैसे अंदर की डिजिट बाहर की डिजिट से छोटी आ जाती है, इट मीन्स यही वो नंबर है जो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो हम 500 जो हमारे पास चिल्ड्रंस है उसमें से हम कितने चिल्ड्रन निकाल देंगे, रिमाइंडर क्या आया एंड में 16, तो 16 हमारा आंसर आएगा 484। अब देखिए अगर हम यहाँ 484 पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये एज इट इज परफेक्ट स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ लिखते हैं हम 484, ये पेयर हो गया, 4 का हमने कर दिया 2 से, सही है, करेक्ट है। अब ये पेयर यहाँ पे कौन आएगा, 84 आएगा, 84 लिखेंगे, 84 से 84 ये कैंसिल हो गया, ये 0 आएगा यहाँ पे, ये 84 से 84 कैंसिल हो गई, ये रिमाइंडर हट जाएगा, ये आ जाएगा 0 0, ये हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा और कितनी रो और कितने कॉलम बनेंगे 22, आंसर आया 22, 22 रो और कॉलम बनेंगे, और कितने बच्चे हमने लेफ्ट आउट किए, कितने चिल्ड्रन हमें लेफ्ट आउट करेंगे वो करेंगे 16, आंसर आया 16। ओके।